जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है, तो आपने खत्म कर दिया। अब तो परेशानी ही परेशानी। अगर मान जाओ तो ठीक है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की जानकारी किसी ने दी नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देते। हम इसीलिए आपके यहाँ आए हैं कि गुरु संत महापुरुषों के वचनों को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए। आप इन वचनों को सुन लो, समझ लो और अब भी जाग जाओ, अब भी सुधर जाओ। ये कुदरत भारी मार लगाने जा रही जिसमें आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ये सब जानकारी संत महात्मा पहले गृहस्थ आश्रम में आते जाते रहते थे। हर गांव में एक महात्मा रहता था, वो भजन करता था तो आपको मुसीबत से गांव वालों को बचाता रहता। अब तो ना कोई महात्मा रहा है और ना उनके पास कोई सच्चे वचन रहे, क्योंकि सब भेष भेष को बना लिया लेकिन कार्य नहीं है। उनके पास युक्ति या समस्याओं का समाधान नहीं है, तो भेष से तो काम होगा नहीं, काम तो करने कर्म से होगा। जब कर्म उनको खुद नहीं मालूम कि बीमारी परेशानियां कैसे आई और कैसे जाएंगी, तो वो तुमको क्या बताएंगे या तुम्हारी क्या दूर करेंगे। इसलिए प्रेमियों, अब तो संभलने का वक्त है, सुधरने का वक्त है, सही सच्चे रास्ते पर चलने का वक्त है। अगर अपने आप को बचाना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आगे का समय बहुत खराब, इतना खराब है कि जिस समय में आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपने बाल बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। संत महात्मा तो आपके ऐसी सुचिंतक होते, इसीलिए कहा वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार समाज देश हित के लिए साधु महात्मा आते हैं, वो राजपाट धनवाल मान सम्मान सामान लेने के लिए नहीं आते। उनका काम है संपूर्ण मानव जाति को सही दिशा देना, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना, शिक्षा देना, तालीम देना। अगर लोग मान जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतना खराब समय आ रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 ही महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है, और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग
आने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर अधर्मी इमानों की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बमों का तांडव होने वाला है। जागो जागो ये दुनिया वालों और सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।